क्लास गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं स्काई ट्यूटोरियल से हूँ। स्काई ट्यूटोरियल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की कोचिंग है जो कि 15 सालों से चल रही है और यूपी बोर्ड और सीबीएसई में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और खास बात इसकी है कि जब से ये कोचिंग खुली है तब से हमारी जो इसकी टीम है, टीचर्स हैं, वो हैं और इनका अकेडमिक एक्सपीरियंस 20 से 25 सालों का है। मैं यहाँ पर एक पर क्विटी का फर्स्ट राउंड का टेस्ट लिया था 1.5 महीने पहले, तो उसका मैं आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने आया हूँ। जो भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करें उनको प्राइज दिया जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैसेज करना है, 29 अक्टूबर को हमारे सेंटर पे टेस्ट है फरक 50 के नाम से है। उस टेस्ट से आपको फायदा है, अगर आप अंडर 50 आते हो तो रहना खाना पढ़ना तीनों कोचिंग की तरफ से फ्री हो जाएगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। ठीक है, वह एग्जाम थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए कि बनारस से सटे करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे रहेंगे, लेकिन आसान भी है। आसान इसलिए है कि पूरा एकेडमिक सिलेबस का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ बेटा, एडमिशन लेना ना लेना अलग चीज़ है, लेकिन अपने लेवल को देखना कि हमारा क्या रैंक आ रहा है। चूँकि बनारस सटे करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि मार्क क्या रैंक है और मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या साइंस लेना है। 2-10 के बच्चे हो, अगर आप लोग अभी से प्लानिंग कर रहे हो, फाउंडेशन कोर्स करते हो, तो 12th जाते जाते तक दो फायदे आपको होंगे। पहला फायदा, आपका बेस तैयार हो जाएगा, और यूपी बोर्ड से हो तो आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल की कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। चूँकि इंडिया का दूसरे नंबर का एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग और मेडिकल है। जब आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो लो लेवल के जितने एग्जाम ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एडमिशन लेना ना लेना अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आपका हाफ पहली तक का पूरा सिलेबस आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसा आप लोगों ने यहाँ दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग बेटा पार्टिसिपेट करो और उसमें अपनी रैंक को देखो कि हमारा 400-500 बच्चों में क्या स्थान है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और आप अपने आप को जो हेजिटेशन होता है एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने में घबराहट होती है, मिस्टेक होते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, टाइमिंग आप लोग याद रखोगे 29 अक्टूबर, टाइमिंग 11 से 1 है, 10 बजे आना है, जिससे आपको अलाउ कार्ड बन जाए। ठीक है क्लास, और कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कभी नगर दुर्गा कुंड स्काई ट्यूटोरियल हमारे सेंटर पे, दिन संडे है, छुट्टी भी है। जो हम अभी आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं उनको सर्टिफिकेट और मेडल्स मिलने हैं। दूसरा, जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, तो उनके नंबर के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप कार्ड आ रहे हैं। अगर उस कार्ड को आप लेके जा रहे हो हमारे कोचिंग, तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग उनका फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। कोई बच्चा कहता है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया हूँ, तो वो भी बच्चा जो 29 अक्टूबर को टेस्ट हो रहा है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं कि जो क्लास में दिए वही, आप लोग में से कोई बच्चा, सारे बच्चे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए वही हैं, सारे बच्चे जा सकते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, आपके अभी तक का सिलेबस ख़त्म है, एग्ज़ाम भी आप लोग दे चुके हो, तो पूरी तरीके से मुझे लगता है तैयार हो। आप सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके आप अपने लेवल को देखो और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। चूँकि आपका 10th का बोर्ड है और इसमें लापरवाही नहीं करना है। अगर जिसका 10th अच्छा है तो ऑटोमेटिक 12th भी अच्छा हो जाएगा, अगर ये बैलेंस बना के आप लोग रखोगे तो। ठीक है, और एकमात्र हमारी ऐसी कोचिंग है जो ड्यूअल लैंग्वेज में पढ़ाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और स्टडी मटेरियल भी देती है, जिससे सेलेक्शन रेशियो यूपी बोर्ड का हमारे यहाँ से ज़्यादा है। आप वहाँ के बच्चों से भी फीडबैक ले सकते हो, नेम ब्रेंड अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपने स्तर को देखो, उस अकॉर्डिंग आप लोग प्रयास करें। फीस अलग चीज़ें हैं, आपका हो सकता है ये फीस फ्री हो जाए, वो आपके मेहनत के ऊपर है, आप जैसा करोगे वैसा आपको मिल जाए। और पूरे बनारस जोड़ कर मैं एडमिशन से देखता हूँ, किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मैं गरीब हूँ और पढ़ने में बढ़िया हूँ, ठीक है, तो एक हमारा सेंटर इंटरव्यू लेता है उनका एकेडमिक लेवल का, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं।
पूरा आप जब एग्जाम दे लोगे टेंथ का आप आना, मैं वहाँ पर आपका जो हमारे छोटी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो लोगे इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टीचर के सामने बैठा दूंगा, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, अगर आप उसमें कर जाते हो तो आपको सारा चीज़ फ्री कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर जाएगी, ट्रांसपेरेंट है, कोई बात वाली बातें नहीं है, क्योंकि मैं हर एक साल आता हूँ और मेरा 13 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और कोचिंग में मैं 2013 से, तो मैं देखा हूँ क्या चीज़ें हैं और कहाँ से कैसे बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैंने देखा है कि जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए हैं वो फॉर सेटलमेंट जल्दी है, क्योंकि उनका बेस तैयार हो गया लगता है उस पर, समझे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एडमिशन लो मत लो, जहाँ लेना है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ा चीज है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको आइडियाज मिलेंगी और ऑप्शन मिलेंगे क्या करना चाहिए, कौन सा पैटर्न PW का भी, दो अदर अदर जो भी आपको एग्ज़ाम देने हैं सबका भी, और देखो पैटर्न लेवल, ठीक है। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।